साल के शुरुआती दिनों में सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव परिवार के साथ मैनपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के सैनिक स्कूल के कार्यक्रम में शिरकत की, जिसके बाद शहर के एक चर्चित रेस्टोरेंट में पकवानों का स्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की और निकाय चुनाव कराने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी दलितों का भी आरक्षण खत्म करने की कोशिश करेगी। भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े और दलित नेता के पहुंचते ही उनकी आत्मा मर जाती है। सरकार जानती थी अगर हम उसी तरीके से कहें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है कि जब सरकार की जानकारी में था कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस तरह की कहा था व्यवस्था के लिए, उसके बाद भी सरकार ने निकाय चुनाव जानबूझ के कराने की कोशिश की और पिछड़ों का आरक्षण अभी छीन है, आने वाले समय में ये दलित भाइयों का भी आरक्षण छीन। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें रास्ता दिखाया, जो संविधान के तहत हमें व्यवस्था मिली थी, तो उन अधिकारों को छीनने का काम सरकार कर रही है। और ये फैसला केवल निकाय का नहीं है, उनके काम करने का तरीका अगर आप देखो, जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें कहीं भी आरक्षण की कोई बात नहीं है। आप वाइस चांसलर देख लीजिए, आप वाइस चांसलर के माध्यम से जो अपॉइंटमेंट है वो देख लीजिए,